एक आंकड़े के अनुसार शहरी लोगों को के अंदर मोटापा 40% है भारत में, और गांव के लोगों में 20-21% है। तो ये डबल का जो ये फर्क है, ये सारा का सारा, ये कैसे इस तरह से आप देखते हैं मोटापे? जो गांव से शहर में जो भी आया है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पर ले लिया है उसने, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ और बीमारी आई। भारत के अंदर डायबिटीज मधुमेह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हर 7 में से एक व्यस्क एक एडल्ट जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त है। सबसे जो मेन बीमारी है, जो जड़ है सब चीज़ों की, वो है मोटापा जी, ओवरवेट, वजन ज़्यादा होना, और ये इनकी जड़ है। इसके कारण हमारे पास आएगी शुगर, इसके कारण हमारे पास आएगा हाई ब्लड प्रेशर, इनसे फिर जागृत हो जाएगा हमारा हार्ट की प्रॉब्लम जी, और साथ में एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो होगी ये खाने पीने की, दूसरी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगी एडिक्शंस की और सब्सटेंस अब्यूज की। तो सारी उम्र खाने, वही लोगों का मिथ है कि एक बार दवाई शुरू होगी तो सारी उम्र के लिए लग गई। दवाई नहीं लगती है कभी, बीमारी लगती है। तो ये 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली चीजें हैं। फैमिली सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी परिवार में है तो, लेकिन शुगर, बीपी, स्मोकिंग और ओवरवेट, साथ में कोलेस्ट्रॉल जोड़ लो। अल्कोहल के बारे में लोगों की ना बड़ी मिथ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार लेना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। दिल के दर्द को लेकर, खासतौर से लेफ्ट साइड के दर्द को लेकर जी, लोगों को लगता है कि सिर्फ हार्ट का ही हो सकता है जी। जब हम सोते हैं, लेटने हैं, अंधेरा होता है, अंधेरा होते सारे पक्षी सो जाते हैं जी, क्योंकि वो ब्रेन को सिग्नल है कि रात होगी, सोने का टाइम हो गया। मॉडर्नाइजेशन है, लाइटिंग है, सब है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता। हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा जब लाइट ऑफ होगी। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज एपिसोड के 4th अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत के अंदर एक वर्ष में जितने लोग मरते हैं उसमें से 61% लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से मरते हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये होते क्या हैं, होते क्यों हैं, इनके पीछे क्या क्या कारण छिपे हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, तो आज हमारे बीच जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आप सब जानते होंगे करनाल के अंदर हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल है, उसको रन करते हैं, बहुत ही शानदार फिजिशियन हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी चिकित्सा की पढ़ाई हुई है, MBBS इन्होंने किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, और MD मेडिसिन इन्होंने किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी का, जो अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर हमारे इस एपिसोड में आए हैं और हमको आज बताएंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होते हैं, इनके पीछे क्या कारण है और किस तरह से हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है बियॉन्ड बाउंड्रीज के इस एपिसोड के अंदर। थैंक यू डॉक्टर मुकेश, मुझे इन्वाइट करने के लिए बियॉन्ड बाउंड्रीज इस एपिसोड के लिए, और आपका धन्यवाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिन पे दिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इनके अंदर पिछले 2 दशकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदला है। तो आज सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे आने से पहले, हम आपके चिकित्सा सफ़र में कैसे आपने यात्रा शुरू की और कैसे आपका मन बना कि मेरे को एक डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा इस माध्यम से करनी है, तो वो एक जर्नी हम जानना चाहेंगे। अच्छा सवाल है, और अक्सर इस सवाल का जवाब क्या मिलता है लोगों से कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता था इसलिए डॉक्टर बना जी, या फिर मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में इंटरेस्ट है, मेरे को जानकारी, मुझे बॉडी के बारे में जानना अच्छा लगता है इसलिए मैं डॉक्टर बना जी। लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं था जी, रीज़न जो था वो था पेरेंट्स की इच्छा। डॉक्टर साहब बड़ा ऑनेस्ट आंसर दे रहे हैं, आमतौर पर वो सही कह रहे हैं, ऐसा ऑनेस्ट आंसर हमें मिलता नहीं है जी। मेरे फादर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जी, उनकी इच्छा थी कि हम मॉडर्न मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर्स बने मेरे बच्चे, ठीक, तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम मेडिकल फील्ड में आए जी। मेडिकल फील्ड में आने के बाद फिर इंटरेस्ट जागा ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने का जी, तब तक कोई पेशेंट की सेवा वाली भाव नहीं था जी। जब प्रैक्टिस में आए, पेशेंट्स देखे, उनका दुख दर्द तकलीफ देखी, तब जागृत हुआ कि हाँ भी हम तो समाज में कुछ चेंज ला सकते हैं, कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद ये भावना अंदर आई कि हमें लोगों की सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है कि इस लायक बनाए कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो भावना उसके बाद जागृत हुई। जब एडमिशन लिया था तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट कि भाई घर वालों की इच्छा पूर्ति करनी है, डॉक्टर बनना अच्छा सा। बहुत बढ़िया, इतना ऑनेस्ट आंसर दोस्तों मिलता नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उस समय जब बच्चा +2 कर रहा होता है या उससे पहले की जर्नी के अंदर, उसे वाकई पता नहीं होता कि उसे जीवन में करना क्या है, उसके पीयर ग्रुप्स,
उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, मेंटर्स जो उसे गाइड करते हैं वो उस दिशा में चल पड़ता है। और जब वो समझ पाता है कि मुझे एक्चुअल में जीवन से क्या चाहिए और किस जरिए चल के मैं उस दुनिया को और बेहतर बना सकता हूँ और मेरी कंट्रीब्यूशन किस तरह समाज में हो सकती है, तब वो अपनी एक दिशा बनाता है और उसके जरिए वो समाज में आगे बढ़ता है। डॉक्टर प्रवीण, जीवन शैली विकार यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक इंजन के अंदर कचरा जम जाता है या धूल जम जाता है और गाड़ी की स्पीड को स्लो कर देता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्लो कर देते हैं और हमारी कार्यक्षमता पे ग्रहण लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और होते क्यों हैं, इनके पीछे क्या क्या कारण है और किस किस तरह के हमारे समाज के अंदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर हो गए डॉक्टर साहब जिनको हम बोलेंगे कि हमारा जो जीवन शैली है वो हमारी खराब चल रही है। जैसी जीवन शैली हमारी वैदिक टाइम में चल रही थी उससे अब बिगड़ती जा रही है जीवन शैली। तो जीवन शैली खराब होने से जो बीमारियां हमारे को अब देखने को मिल रही है, जो प्राय हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि हमारे टाइम में इस तरह की बीमारियां नहीं होती थी, तो वो जो बीमारियां अब होने लगी हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो लाइफस्टाइल खराब होने से है। सबसे जो मेन बीमारी है, जो जड़ है सब चीज़ों की, वो है मोटापा जी, ओवरवेट, वजन ज़्यादा होना, और ये इनकी जड़ है। इसके कारण हमारे पास आएगी शुगर, इसके कारण हमारे पास आएगा हाई ब्लड प्रेशर, इनसे फिर जागृत हो जाएगा हमारा हार्ट की प्रॉब्लम जी, और साथ में एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो होगी ये खाने पीने की, दूसरी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होगी एडिक्शंस की और सब्सटेंस अब्यूज़ की। तो अल्कोहल के कारण लीवर की प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और वर्क स्टाइल के कारण, स्ट्रेस के कारण हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स और हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे बीमारी, मतलब हम मान सकते हैं कि आ पहल मुझे मार, कि हमने खुद ही उन बीमारियों को बुलाने का काम किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमने ऐसे ही किया है कि हमने अपना लाइफस्टाइल इतना खराब किया है, जो गाँव से शहर में जो भी आया है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ले लिया है उसने, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ और बीमारी आई। आपने मोटापे की बात की कि मोटापे को आमतौर पर मीठा जहर कहा जाता है, ये आपके शरीर के अंदर आने के बाद इतनी बीमारियां लगा देता है जिसके बारे में मतलब एक चिंतनीय विषय बना देता है। और एक आंकड़े के अनुसार शहरी लोगों को के अंदर मोटापा 40% है भारत में और गांव के लोगों में 20-21% है, तो ये डबल का जो ये फ़र्क है, ये सारा का सारा, ये कैसे इस तरह से आप देखते हैं मोटापे को और क्या इसका जो बेसिक रीज़न है वो कैसे है? मेन रीज़न जो मोटापे का है सर वो है डाइट रिलेटेड जी, ठीक है। डाइट हमारी, जब भी हमें अर्बनाइजेशन जब भी होती है, जब भी शहरीकरण होता है कि शहर से भी बंदा गांव आएगा तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, मतलब डाइट चेंज होगी, उसका खाना पीना सारा बदलाव आएगा। तो वो लाइफ, जो डाइट चेंज हुई है और जो उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ऑटोमेटिक चीज़ें मिल रही हैं, आने जाने की सुविधा अच्छी मिल रही है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी, उसका बैठना सारा दिन ज़्यादा रहेगा और अनहेल्दी डाइट खाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा लेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गया, शहर में आ गया, तो काम का बोझ भी ज़्यादा है तो स्ट्रेस भी ज़्यादा लेगा। तो इन चीज़ों के कारण मतलब सारी चीज़ें सारी जुड़ जाती हैं, इंक्लूड कर वो एक लाइफस्टाइल उसका खराब हो जाता है। चाहे वो उसको बोले कि मेरे को कॉम्पिटिशन के कारण, जॉब स्ट्रेस के करके या पढ़ाई के करके किसी भी का स्ट्रेस है, कुछ भी है, वो लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, घर से दूर है, खाना नहीं मिल रहा, ऑनलाइन खाना आ रहा है, फूड खराब हो रहा है, लेथार्जी का पेशेंट बैठा है अपना घर पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फोन में ऐप है, ऑर्डर किया घर आ गया, ऑर्डर किया घर आ गया खाना, तो कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। तो ये सब धीरे 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 करके धीरे धीरे बॉडी को खराब करते हैं। और आजकल बड़ी तेजी के साथ स्पेशली भारत के अंदर डायबिटीज, मधुमेह बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, हर 7 में से एक व्यस्क, एक एडल्ट जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त है। हालांकि भारत के लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों में एक तो काफ़ी वो रहती है कि क्या मीठा खाने से शुगर होती है या इसके पीछे कुछ और कारण है, जीन्स का इसमें क्या रोल है, अनुवांशिकी कैसे काम करती है, तो ये थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि देखो सबसे कोई भी बीमारी होने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि आपके पास जीन्स ऐसे हैं कि आपको बीमारी हो सकती है, दूसरा आपकी जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हो उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे जो साउथ एशियंस हैं, पूरा साउथ एशियन कॉन्टिनेंट जो भी हमारा है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारा कोरिया तक का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये प्रीडिस्पोज्ड है डायबिटीज को। ओके, यहाँ पर डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। हमारा 75 किलो का बंदा को डायबिटीज हो जाएगी जो कि अंग्रेज को नहीं होगी। ओके, हमारे क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं और एक हमारे जीन्स की जो हमारी बॉडी का फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब कि हमारी बॉडी की बनावट है उसमें कि हम सेंट्रली ओबीज हैं।
तो जो विसरल फैट बढ़ जाता है, विसरल फैट बढ़ जाता है हमारी, सबके पेट ज्यादा बड़े होते हैं बजाय कि वो फैट पूरे शरीर में डलने से। तो उस विसरल फैट को बढ़ने से जेनेटिकली हमारे जीन्स ऐसे हैं कि हमें शुगर होने के चांसेस ज्यादा है। ऊपर से लाइफस्टाइल आ गया, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, आप काम नहीं कर रहे हो, अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, अर्बनाइजेशन में पड़े हो, तो डायबिटीज हो ही गई। खासतौर से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, भाई बहन को डायबिटीज है, आप एज आपकी 40 से ऊपर है, तो बहुत चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो जाएगी अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखा था। हम आपसे जानना चाहेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर एक बिल्कुल आराम आराम से व्यक्ति को अगर ध्यान नहीं, जैसे एक नदी है, अगर वो दोनों उसके किनारे ठीक है तो वो ठीक से चलती रहती है, अपनी दिशा में चलती रहती है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो वो किनारों को तोड़ के बाढ़ ला देती है। क्योंकि ब्लड जब बॉडी में चल रहा है तो वो तो प्रेशर तो लगाएगा ही लगाएगा, वो कब अनियंत्रित हो जाता है, कब वो कम हो जाता है, कब वो ज़्यादा हो जाता है, क्या उसकी लिमिट है और क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम एक सेफ जोन में रहें। ब्लड प्रेशर होने के भी मेन कारण सारे जो शुगर के कारण है वैसे ही हैं जी। बीपी ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है 40 साल के बाद, तो और अभी तो यंग एज में छोटे बच्चों को भी जो ओबीज हो गए हैं, जो ओवरवेट हो गए हैं, उनको छोटी एज में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। और लाइफस्टाइल, सात दिन बैठे रहना, अर्बनाइजेशन और ये सब, स्मोकिंग से और अल्कोहल से, स्मोकिंग और अल्कोहल ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पेशेंट बंदा है, 40 प्लस हो चुका है, थोड़ा सा ओवरवेट है, स्मोकिंग अल्कोहल चल रहा है, तो चांसेस हैं कि वो उसको हाइपरटेंशन होगी। और हाइपरटेंशन जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर मतलब कि उसके सिम्टम्स कोई नहीं होते जी। वो सिर्फ जब चेक कराओगे तो ही पता लगेगा आपका बीपी कितना है, अदरवाइज कोई बॉडी में लक्षण नहीं आएंगे। तो साइलेंटली अंदर अंदर आपके शरीर को किल कर रहा है, तभी उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। तो इसलिए बीपी हमें तभी पता लगेगा हम चेक कराएंगे। तो बीपी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपको हाई रिस्क है बीपी के लिए, आपको फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, आप ओवरवेट हो, स्मोकिंग करते हो, कुछ करते हो, तो आपको बीपी अपना रेगुलरली चेक कराना चाहिए। और यही सबसे ज़रूरी है क्योंकि आपको पता हो कि आपको बीपी है। इंडिया में यही है कि आधे लोग तो जानते ही नहीं कि उन्हें बीपी है, और जो आधे लोग जानते उन्हें बीपी है उनमें से आधे लोग दवाई नहीं खाते बीपी की, और वो जो दवाई खाते हैं बीपी की उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनका बीपी दवाई के बावजूद भी कंट्रोल नहीं चल रहा। तो और बहुत सारे लोगों में एक मिथ है बीपी को लेके कि बीपी एक बार आपने दवाई खा ली, अपना थोड़ा सा वेट कंट्रोल कर लिया, वो ठीक कर लिया, फिर वो दोबारा, मतलब नहीं, ऐसा भी आपने देखा है कि भाई हम कंट्रोल कर दोबारा ना हो ये, या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सारी उम्र एक बार दवाई पे आ गए तो सारी उम्र खाने, वही लोगों का मिथ है कि एक बार दवाई शुरू होगी तो सारी उम्र के लिए लग गई जी। दवाई नहीं लगती है कभी, बीमारी लगती है, बीमारी लगती है। गोविंद कहते हैं शुगर की दवाई नहीं खाऊंगा दवाई लग जाएगी, भाई उसको दवाई थोड़ी लगी है, उसको तो बीमारी लगी है, बीमारी की वजह से वो दवाई खा रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, उसको दवाई नहीं लगी है, उसे बीमारी लगी है। तो अगर उसको बीमारी को कंट्रोल करना है बिना दवाई के जी, तो वो बीमारी क्यों लगी, उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा। वो लाइफस्टाइल सुधारे, खाने पीने का ध्यान रखे, अगर बीपी का पेशेंट है नमक का प्रेस करना है, फैट्स का प्रेस करना है, वेट कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर वो सब करेगा तो बीपी नॉर्मल आ जाएगा। ये नहीं कि एक बार बीपी नॉर्मल आ गया तो उसको छोड़ दे, कंटिन्यू करे, इट इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, सारी जिंदगी उसमें सारी उम्र अपना ध्यान रखना है। सारी उम्र ध्यान रखते रहेगा तो बिल्कुल बीपी नहीं रहेगा, बिल्कुल शुगर नहीं रहेगी, लेकिन उस लाइफस्टाइल को उसको मेंटेन करना है। वो 3 मंथ 6 मंथ्स का काम नहीं है कि 6 महीने तो बहुत अच्छा प्रेस किया, यूजली होता है नया नया किसी को शुगर बीपी होता है, जो शोश में बिल्कुल बंदा पूरी एक्सरसाइज करता है, प्रेस करता है, सब कुछ करता है, 6 महीने में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ले आता है जी। जैसी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं फिर वापस से बैक टू स्क्वायर वन, वापस पुरानी कहानी शुरू, वैसी खाना पीना शुरू, वैसी वेट बढ़ना शुरू, और फिर वो दोष निकालना शुरू करता है कि उसका कसूर है, मेरी नौकरी का कसूर है, मेरे लाइफस्टाइल उसका कसूर है, वो सारी चीजों को इकट्ठा जोड़ के देख लेता है। वो ये नहीं देखता कि इन सब चीजों को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, वो सब चीजों से कंट्रोल में ही है, वो उसने खुद ही खराब करी हुई है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ब्लड प्रेशर का, जो आजकल दिल की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ रहे हैं, उससे कोई रिलेशन है? और जो पीछे अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, यंग एज में 30-32-35 साल के लोग अचानक से उनको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या वो कोविड का कि कुछ लोग ये मानते हैं कि कोविड की वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि कोविड की जो उन्होंने डोज ली है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और इसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रीब्यूशन कितना है? ब्लड प्रेशर कंट्रीब्यूशन हार्ट डिजीज के अंदर बहुत है जी। हार्ट डिजीज होने के लिए, किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होने के लिए 5 मुख्य जो मेन चीजें हैं जी, आपका एक तो फैमिली हिस्ट्री जी, अगर आपके परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर, बीपी, ओवरवेट, स्मोकिंग।
ये पांच चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली चीजें हैं। फैमिली सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी परिवार में है तो, लेकिन शुगर, बीपी, स्मोकिंग और ओवरवेट, साथ में कोलेस्ट्रॉल जोड़ लो आप, तो अगर इन चीजों को कंट्रोल करके रखेंगे तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। कई चीज़ें आप जैसे मेल्स हैं, मेल्स को फीमेल से ज़्यादा चांसेस हैं, उसको तो हम बदल नहीं सकते। फीमेल्स को जब तक पीरियड्स आएंगे, वो नेचुरल एक इंक्लाइनेशन है, जब तक फीमेल्स के हार्मोन्स चेंजेस नहीं होते तो मेनोपॉज नहीं होता, वो हार्ट डिजीज से बची रहती हैं। लेकिन एक बार जब मेनोपॉज हो गया उनकी रिस्क मेल्स इतनी हो जाती है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रोक के रखता है। तो इन चीज़ों को तो हम बदल नहीं सकते, फैमिली हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, आपकी एज बढ़ती है एज के साथ हार्ट डिजीज बढ़ती है, एज को नहीं रोक सकते, आपका सेक्स नहीं बदल सकते। लेकिन जो चीज़ें बदल सकते हैं अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद कर सकते हैं, ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। अल्कोहल के बारे में लोगों की ना बड़ी मिथ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हफ्ते में एक दो बार लेना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, हमारे लीवर को फायदा करता है, वो एक किस्म का दवाई का काम करता है, तो वो मिथ है या ये मिथ ही है? क्योंकि ये जो सलाह देगा कोई अल्कोहलिक ही देगा जी, ठीक, कोई डॉक्टर कभी ऐसी सलाह नहीं देता। हमारा जितना भी मेडिकल लिटरेचर है, हमने जितना भी पढ़ा है, वो कहीं पर भी एनकरेज नहीं करता कि आप हार्ट डिजीज से बचाव के लिए अल्कोहल का यूज़ करें। ये ज़रूर लिखा है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो उसे कम करें, और अगर नहीं लेते हैं तो मत शुरू करें। अल्कोहलिक्स को कम करने की सलाह देते हैं, अल्कोहलिक्स को बिल्कुल ख़त्म करने की सलाह नहीं देते कई बार, बस कितना फ़र्क है, कहते भी कम कर दो, बंद ना करो, तो उसको लोग सोचते हैं कि इन्होंने कहा कि हाँ ले लो थोड़ा, तो वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। बट कहीं पर भी ऐसा नहीं कि उसको शुरू करें। हाँ, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक पोटेंशियल है अब्यूज का, वो आदत डाल देती है, लत लगने की आदत है, उसमें लत लगने का जोखिम है। तो कोई भी चीज जिसमें लत लग सकती है, अब छोटी छोटी एड आती है लूडो की, इसकी फोन में, कि आपको ये म्यूचुअल फंड्स की, इसकी लत लग सकती है, जोखिम है, फिर भी लोग मानते नहीं है। तो जिस चीज़ की भी लत लग सकती है उससे बचना चाहिए। ये दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात की है, जिसकी भी लत लग सकती है, चाहे वो कोई गेम ही क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी आदत भी क्यों ना हो जिसे आप डेली करना और बार बार करना चाहें, तो उससे बचाव में ही आपकी भलाई ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अल्कोहल के बारे में आपने बात कही, आजकल बहुत सारे चेस्ट से लेकर, रेस्पिरेटरी से लेकर, COPD वगैरह, अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी कहीं हम लाइफस्टाइल से जोड़ के देख सकते हैं इसको, या फिर खाली स्मोकिंग या इनके ऊपर ध्यान रख के? इसके बारे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है COPD बीमारी में, जो COPD इसको हम बोलते हैं, जो चेस्ट की मेनली दो बीमारियां होती हैं, एक होता है अस्थमा जी, एक होता है COPD। अस्थमा वो बीमारी होती है जो अक्सर बचपन से होती है, किसी एलर्जी से होती है, उसके अंदर सांस की नालियां सुकड़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, शाय शाय की आवाज़ आती है, इनहेलर पंप लेने से या उससे उसमें आराम मिल जाता है, वो रिवर्सिबल होती है, मतलब कि आपको दिक्कत हुई, आपने दवाई ली और वापस आप नॉर्मल हो गए। COPD जो बीमारी होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि परमानेंट बीमारी होती है, आपके लंग्स धीरे धीरे करके डैमेज होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में इनहेलर से, दवाई से आराम मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा, दोबारा प्रॉब्लम होगी, हर बार 1-2-5% करके लंग्स डैमेज होते रहेंगे, और धीरे धीरे 15-20-25-30 साल में वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो COPD एक बढ़ने वाली बीमारी जो बढ़ती रहेगी और पूरी रिवर्स नहीं होती। COPD के अंदर स्मोकिंग ही मेन रीज़न है जी। और दूसरा है पोल्यूशन, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, वो भी एक किस्म से एक सिगरेट पर डे पी रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो धुआं उनके फेफड़ों में जा रहा है, जितना पोल्यूशन उनको रह रहा है वो एक सिगरेट रोज की पी रहे हैं, और जो पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं, आपके यार दोस्त आसपास कर रहे हैं, तो वो भी पैसिव स्मोकिंग भी उतना ही नुकसान करते हैं जितना एक्टिव स्मोकिंग नुकसान करती है। तो एनवायरमेंट से बचने के लिए, आजकल जो इतना पोल्यूशन है उससे बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, जिससे पोल्यूशन से बचने के लिए, अगर आप आउटडोर्स हो तो मास्क लगाओ जी, गाड़ी में जब भी आप सफर कर रहे हो कोशिश करो शीशे बंद रहे, AC चलता रहे, आप इंडोर्स हैं घर के आसपास प्लांटेशन अच्छी हो ताकि फ्रेश एयर आए, खिड़की दरवाजे ऐसे से बंद हों कि भाई कोई पोल्यूशन या डस्ट अंदर ना आए, वेट मॉपिंग ज़्यादा करें, जितना झाड़ू में डस्ट उड़ता है तो वहाँ गीला कपड़ा मारें ताकि डस्ट ना उड़े, डस्ट से बचें, इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में हम कहते हैं एयर प्योरीफायर लगाने के जी,
आजकल बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स आते हैं, तो रूम में आप एयर प्योरीफायर लगाइए तो रूम का EQI बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप देखें बाहर का EQI 150 है, आपने रूम में प्योरीफायर लगाया, आप अंदर चेक करोगे तो 20 EQI आएगा। हमारे यहाँ भी करनाल पानीपत के आसपास आजकल मैं देख रहा हूँ 300-400 EQI बड़ा नॉर्मल है, मतलब रूटीन में इतना देखने में आ रहा है, जो आज से 10 साल पहले 100 के आसपास होता था। 10-15 साल पहले तो मैं आसमान भी नीला दिखता था, आसमान नीला दिखता था, बिल्कुल। तो आसमान का रंग ग्रे है। हाँ, ग्रे है। तो ये दोस्तों इसमें हमने भी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इतने हम वाहन चलाते हैं, AC चलाते हैं, और बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करने में, इस शस्य श्यामला धारा को बेकार करने में, बुरा बनाने में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ आपके लिए मैसेज भी है कि कम से कम हो सके अपनी तरफ से पोल्यूशन करें, ताकि इस धारा को हम सुंदर बनाने में अपना योगदान दे सकें। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, कई बार लोग कह देते हैं वो हार्ट अटैक से मर गया, हार्ट अटैक से चला गया, कई बार कहते हैं कि हार्ट अटैक के किसी को एंजाइना हो गया, किसी को MI हो गया, ये थोड़ा सा जो लोगों को पता लगे एक बेसिक सा फ़र्क क्या है और ये किस तरह से वो लोग पहचान सकते हैं अभी क्या हुआ एक्चुअल में। देखो दिल के दर्द को लेकर, खासतौर से लेफ्ट साइड के दर्द को लेकर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हार्ट का ही हो सकता है जी। पहली बात तो है कि बिना हार्ट के भी बहुत सारी चीज़ों से दर्द होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हार्ट के अलावा बहुत कुछ है जी। तो लेकिन हार्ट के दर्द को आप कैसे पहचाने, मेन तो आप ये पूछना चाहते हैं। जी, हार्ट का दर्द देखो तब भी होगा, पहली बात तो अगर आपको लगता है आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो आप समझ के चलो कि आपको उसको हार्ट पेन को इग्नोर नहीं करना। आपको डायबिटीज़ है, आपको BP, आप स्मोकिंग करते हो, आप ओवरवेट हो, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो आप मान के चलो कि मुझे दर्द हार्ट का हो सकता है। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आप एक मिनट के लिए सोचो हाँ मेरे को ये हार्ट का दर्द नहीं होगा। दर्द यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, दोनों कंधों में, दोनों बाजुओं में, थ्रोट में, जॉ में, ये पूरी नाभि से लेकर जॉ तक, ये और कोनियों से, ये पूरा एरिया हार्ट का माना जाएगा। तो हार्ट की प्रॉब्लम कहीं पर भी शो कर सकती है, कहीं भी पेन कर सकती है। तो अगर आपको कोई भी हाई रिस्क है, आपने किसी भी इस तरह के पेन को इग्नोर नहीं करना जी। और साथ में घबराहट होना, पसीने आना, ये सबको नहीं होता। डायबिटीज पेशेंट को साइलेंट अटैक भी होते हैं, वो सिर्फ कहेंगे हल्का सा सांस फूल रहा है जी, उन्हें पेन भी नहीं होगा, बट लेकिन फिर भी उनको ECG में ब्लॉकेज शो होगी। तो अगर आपको कोई भी रिस्क है तो आप किसी भी चेस्ट पेन को लाइटली मत लो, ये मत सोचो ये तो राइट का है, बाजू में नहीं गया, गले में नहीं जा रहा, मुझे घबराहट नहीं हो रही। आपको रिस्क फैक्टर है तो आपने हर पेन को हार्ट की तरह ही मानना है। अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप रिलैक्स होकर, बहुत सारे लोग आमतौर पर छाती में कोई जलन हुई या दर्द हुआ तो ये मानते हैं गैस का दर्द होगा, तो उससे वो कंसाइड करके देख लेते हैं, तो इस तरह से वो ना किसी भी दर्द को गैस का मान के नहीं छोड़ना जी। क्योंकि ऐसा भले हो जाए कि आपको दर्द हुआ, आपने ECG करा ली और वो नॉर्मल थी, फिर आपने कहा चलो कोई नहीं गैस का होगा, गैस की दवाई ले ली जी। तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि दर्द हार्ट का और आप उसे गैस मान के डिले कर दो, अगले दिन डॉक्टर के जाओ पता लगा अब तक नुकसान हो चुका है, अब तक नुकसान हो चुका है। तो किसी भी दर्द को आप सबसे पहले हार्ट को रूल आउट करा लो, भी हार्ट का तो नहीं है, बस बाकी कुछ भी हो फिर देखा जाएगा जी। कोविड जो वायरस था उसने हमारी बॉडी में ना इन्फ्लेमेशन, सोजिश करी जी। जब भी हमारी बॉडी में कभी सोजिश होती है तो हमारे अंदर जो खून जमाने के फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रोकोएगुलेशन वाले फैक्टर्स इंक्रीज कर जाते हैं। तो जैसे आम भाषा बोलते हैं खून गाढ़ा हो जाता, गाढ़ा हो जाता है यस। तो खून गाढ़ा होने से ब्लॉकेज कहीं भी, चाहे वो हार्ट में ब्लॉकेज, चाहे वो ब्रेन में ब्लॉकेज, तो कोविड जिन लोगों को हुआ उन लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज और ब्रेन की ब्लॉकेज, अधरंग होने के और हार्ट पेन होने के चांसेस ज्यादा थे। नहीं, जिनको कोविड हुआ या जिन्होंने कोविड के लिए वैक्सीन या कोई दवाई, कोविड वैक्सीन भी एक किस्म से आपको कोविड ही हुआ। हाँ दोस्तों, आप कोविड वैक्सीन भी एक छोटा सा कोविड हुआ आपको। कोविड वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है कि आपको छोटी सी बीमारी दे दी ताकि आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति आ जाए, सिस्टम आपका एक्टिव हो जाए, आपकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाए उस बीमारी के अगेंस्ट। तो आपको किसी चीज से इम्यूनिटी करनी है तो आपको उसको छोटी सी डोज दे देते हैं। तो बेसिकली आपको कोविड वैक्सीन लगने का मतलब आपको छोटा सा कोविड हुआ है, तो वो छोटा सा कोविड हुआ तो वो भी कोविड ही हुआ। आप स्ट्रेस को कितना जिम्मेदार मानते हैं, जो आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या बीमारियों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्ट्रेस, तनाव? स्ट्रेस की बहुत अहम भूमिका है जी। स्ट्रेस हमारे डायबिटीज कंट्रोल को खराब करेगा जी। अगर कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेस में है, बिना किसी दवाई को चेंज किए, बिना किसी डाइट को चेंज किए हम सिर्फ उसके स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं दवाई से या कैसे समझा के पेशेंट को, तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। ओके। तो
स्ट्रेस का उसके अंदर रोल है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमारे बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो शुगर्स बढ़ाते हैं। स्ट्रेस से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, स्ट्रेस से हमें एंग्जाइटी डिप्रेशन होगी, लोनलीनेस होगी, हमें पैल्पिटेशंस होंगी, एंग्जाइटी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। स्ट्रेस के कारण हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स के कारण या तो हम वो ओवर ईटिंग करेंगे, बिंजी ईटिंग करेंगे, उसके अंदर हम अपने को ओवरवेट करेंगे। तो ईटिंग डिसऑर्डर से लेके और स्ट्रेस से हमें सब्सटेंस अब्यूज का खतरा बढ़ जाता है। जो भी पेशेंट सब स्ट्रेस में होगा या स्मोकिंग, या कोई भी अल्कोहल या किसी भी नशे की तरफ भागने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी जी, जी, जी। स्ट्रेस को दूर करने दूर करने के लिए चाहे वो किसी गोली का नशा कर ले। तो स्ट्रेस भी बहुत अहम कारण है इन सब बीमारियों को बढ़ाने का। पिछले कुछ समय में स्ट्रेस के केसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस बहुत ज्यादा, इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। एक आजकल लोगों को ना इंसोम्निया, नींद कम आने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ तो इस स्क्रीन में, कुछ लोग टीवी में, कुछ मोबाइल में, कुछ लैपटॉप में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, और वो टाइम से लेटने की कोशिश भी करें तब भी ये स्क्रीन का जो वो चाव होता है ना, ये वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो उन्हें सही समय पर लेटने नहीं देता। तो जब लेटेंगे नहीं तो नींद कैसे, वो प्रोसेस कैसे शुरू होंगे जो नींद लाने में जिम्मेदार होते हैं। तो नींद का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखते हैं आपकी हमारी हेल्थ में, वो कितना जरूरी है और कितनी मात्रा में नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए चाहिए? नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए जी, क्योंकि जब हम मन सोता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में बेसिकली हम सो रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी पूरी रिकवर कर रही है। हमारे जितना भी हमने बॉडी में फटीग हुआ है, हमारी सारी मसल्स रिकवर कर रही हैं, हमारे सारे हॉर्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ब्रेन में जो बताता है कि दिन रात हो गई, तो वो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरा मेंटेन होता है प्रॉपर स्लीप साइकिल रिदम जो है वो सारा कंट्रोल। जितने भी हमारे ब्रेन में हॉर्मोन्स बनते हैं जी, जो भी हॉर्मोन्स आगे भी हमारे बनेंगे, चाहे हमारे थायराइड हॉर्मोन, हमारे एड्रेनल हॉर्मोन्स, हमारे सेक्स के हॉर्मोन्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन सबका सेंटर ब्रेन है जी। और ब्रेन का साइकिल मेंटेन रखने के लिए वो स्लीप साइकिल प्रॉपर चाहिए। स्लीप साइकिल ठीक है तो सारे हॉर्मोन्स वो होंगे, हमारा सारा ब्रेन का वेस्ट निकलता है, हमारी सारी बॉडी में जो भी स्वेलिंग आई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, जो भी हमारी बॉडी में वो सारी वो क्लियर होती है जी। तो हर चीज़ के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। और स्लीप इंड्यूस कैसे होती है, मतलब कि स्लीप आती कैसे हमें, जब हम सोते हैं, लेटने हैं, अंधेरा होता है, अंधेरा होते सारे पक्षी सो जाते हैं जी, क्योंकि वो ब्रेन को सिग्नल है कि रात होगी, सोने का टाइम हो गया। मॉडर्नाइजेशन है, लाइटिंग है, सब है, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता। हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा जब लाइट ऑफ होगी जी। जब लाइट ऑफ होगी, अंधेरा होगा, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ब्रेन में, उसको सिग्नल मिलेगा कि रात होगी, अब सो जाओ। तो एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो हमारा ब्रेन बनाता है, तो उस हार्मोन को बनने से हमें नींद आती है जी। तो अब क्या है, आपने लाइट्स ऑफ कर दी लेकिन मोबाइल की स्क्रीन है जी, वो लाइट आ रही है आपकी आंखों में, जब तक लाइट रहेगी ब्रेन में मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन नहीं बनेगा आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। और लोग उल्टा कहते हैं कि नींद नहीं आती इसलिए फोन में लगे रहते हैं, होता उल्टा है भाई, फोन में लगे हो इसलिए नींद नहीं आ रही है। नींद को एक टाइम भी तो चाहिए ना उस प्रोसेस को शुरू होने के लिए। तो आप अंधेरा करो, और जैसे अब लोग इतने प्लेन में इतनी लाइट होती है, ट्रेन में इतनी लाइट शोर होता है, फिर भी लोग आंखों में पट्टी लगाते हैं सो जाते हैं। ब्रेन को अंधेरा ही तो दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्रेन को अंधेरा दिखाओ, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, वो नेचुरल स्लीप हार्मोन है हमारा, नींद आएगी, हमारा साइकिल रेगुलेट होगा। दोस्तों हमारी प्रकृति ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया है, दिन रात बनाए हैं, सूरज चांद बनाए हैं, और पिनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाया है जो हमारे हमारी नींद के लिए उत्तरदायी है। और नींद कितने सारे काम करती है, डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, शरीर में रिपेयर करती है, रिजुविनेट करती है। नींद एक चार्ज की तरह, जैसे हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है पूरा दिन काम करते करते, और हम उसे दोबारा से उसकी बैटरी को भरने के लिए चार्जिंग पर लगा देते हैं, तो नींद आपके शरीर को पूरी तरह से चार्ज कर देती है। डॉक्टर साहब, जो वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो रहा है आजकल, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार 60% इंडियन लोग ये मानते हैं कि वो अपने जीवन को संतुलित नहीं रख पाते, वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में? वर्क लाइफ बैलेंस हमें खुद बनाना पड़ेगा जी। जहाँ हम वर्क करते हैं वो हमारी पूरी एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, हर चीज़ चाहेंगे कि हमारा सारा कुछ वहाँ पे यूटिलाइज हो जाए जी। और हम जब घर आएंगे तो हमें लगे कि यार मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है और अपना पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करना है, तो हमें बाउंड्रीज खुद से बनानी पड़ेंगी। घर का काम घर में, ऑफिस का काम ऑफिस में। अगर हम क्लियर कट बाउंड्री नहीं बनाएंगे, ऑफिस का काम घर पे लेकर आएंगे
तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो दोस्तों दो चीजें जो हमेशा तंग करती हैं, एक तो होते रैट रेस जी, और एक है सेटिस्फेक्शन ना होना। तो जो पुराने जमाने में होता है संतोषी सदा सुखी, बहुत बढ़िया, वो जरूरी है। जो इसका संतोष है वो सुखी रहेगा, मैं कि रैट रेस में ना लगे, कि कंपटीशन में ना लगे, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मेरे पास हर चीज होनी चाहिए, मेरे बच्चों पास हर चीज होनी चाहिए। वो जो रैट रेस है कि देखा देखाई में कुछ करना, वो माइंड को चला के रखेगी, 99 के फेर में घेर के रखेगी, उससे बंदा दुखी रहेगा। तो रैट रेस में नहीं पड़ना और संतोष करना चाहिए। ये दो चीजें अगर सीख ली तो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों कितना बढ़िया मूल मंत्र डॉक्टर साहब ने दे दिया, आपको रैट रेस से बचना है और संतोषी रहना है। एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक को आप काम मान लो, एक को आराम मान लो। अगर उन दोनों का बैलेंस नहीं होगा, आप अपने फैमिली में, अपने पर्सनल काम के लिए, अपने प्रोफेशनल काम के लिए, आप समाज के लिए, इन सारे आयाम के अंदर आपको एक बैलेंस बनाना होता है, आपको संतुलन स्थापित करना होता है। और जिस दिन ये संतुलन बिगड़ जाता है, उस दिन आप अलग अलग किस्म की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से घिर जाते हैं। इन सारी चर्चाओं से एक प्रश्न पैदा होता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जब हमारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां, लाइफस्टाइल हमारा इतनी बीमारियां पैदा कर रहा है, तो हमारी क्या भूमिका हो, समाज की क्या भूमिका हो, सरकारों के स्तर पे क्या हो कि लोगों को इन लाइफ बढ़ती जो बीमारियां हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, इनके बारे में जागरूक करा जा सके। क्योंकि हमेशा ये माना जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एक बहुत बड़े चिंतक भी थे, उन्होंने ये कहा था कि एक ओंस प्रिकॉशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक पॉइंट इलाज से, ट्रीटमेंट से। तो इस मतलब आप कैसे देखते हैं कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, नैतिक भूमिका भी होनी चाहिए, समाज की भी, सरकारों की भी, और हमारी भी, किस तरह से हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं? अवेयरनेस अपने लेवल पर ही आएगी जी, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती जी। ये जो अवेयरनेस फैलाने का काम है, ये शुरू हो सकता है दो जगह से जी। एक तो है स्कूली बच्चों से, जो बचपन में ही उनको सीख मिल जाएगी कि वेट ना बढ़ाओ, एक्टिव रहो, लाइफस्टाइल रहो। अब पहले छोटे होते थे, हमारी क्लास में पीटी कंपलसरी होती थी जी। सारे बच्चों को पीटी कराते थे, सुबह योगा कराते थे, पीटी कराते थे, गेम्स कंपलसरी होता था। धीरे धीरे आधे स्कूलों ने उसे कट डाउन करके एक्स्ट्रा क्लास, कंपटीशन क्लास, पढ़ाई क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ध्यान ज्यादा हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कम हो गए, कॉम्पिटिशन के ऊपर ध्यान ज्यादा हो गया जी बच्चों का, पढ़ाई के ऊपर बजाय फिजिकल एक्टिविटी। जो कंपलसरी फिजिकल एक्टिविटी होती थी स्कूल में, वो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता, नहीं पता। सही है, बिल्कुल सही। पहले स्कूल, तो एक तो स्कूल को पकड़ो जी, जो सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं उनको सिखाओ कि हमने कैसे फिट रहना है जी। तो बच्चे फिट रहेंगे तो आगे बढ़ो के वही भविष्य ने जवान होना है। जब हमारा देश 10 साल बाद जब वो सारे बच्चे जवान होंगे तो सारा फिट इंडिया होगा, तो वो स्कूल से शुरू होगा। आप उनको बड़े होने के बाद नहीं समझा सकते। और यहाँ पे एक बात ये उठती है कि बच्चों में वो पैकेट कल्चर, आजकल डिब्बा बंद फूड और पैकेट कल्चर का इतना क्रेज बढ़ता जा रहा है, कोई मेहमान जाएगा तो बच्चों के लिए वो पैकेट्स 5-7-10 पैकेट इकट्ठे करे, वो गिफ्ट बना के ले जाएगा। बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को वो तलब पैदा करती है चीज़ें, वो आदमी को एडिक्शन की तरफ लेके जाती है, उसमें पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं, बच्चों को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, वो टेस्टी लगते हैं बच्चों को, तो वो किस तरह से रोका जाए, वो पेरेंट्स के स्तर पर क्या हो सकता है? और पेरेंट्स आजकल देखा मैंने, एक एक 2-2 साल के बच्चे को स्क्रीन, पूरा पूरा दिन वो बच्चे फोन पकड़े रहते हैं। हमारे टाइम में तो फोन वोन होते नहीं थे, हम तो फिजिकल मिट्टी में खेलते थे, स्कूल घर आते ही अपनी रोटी भी हमने वो उस पर घी नमक लगाया, ऐसे मोड़ी और ऐसे चले गए खेलने के लिए, तो ऐसे ही खाते चलते थे। आजकल वो सिनेरियो ही बदल गया है, बच्चों के दोस्त भी नहीं होते, उनको एक कमरा चाहिए, एक चार्जर चाहिए, एक फोन चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, बस इतनी सी दुनिया रहेगी, इतनी ही दुनिया रहेगी। वो सारी टेक्नोलॉजी को, मैं कहता हूँ बच्चों को टेक्नोलॉजी दो जी। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं दोगे बच्चे कैसे एडवांस करेंगे जी। बच्चों को फोन गैजेट सब दो, लेकिन उन्हें बोलो कि भाई इसको अच्छे से यूज करो जी। आप देखो बच्चे के फोन में एप्स कौन सी हैं जी, वो गेम्स की एप्स डाले बैठा है, शॉपिंग की एप्स डाले बैठा है, या फिटनेस की एप्स डाले बैठा है। यूट्यूब को, जैसे अब हमारा आप इन्फ्लुएंसर हो जी, तो इनका कितना रोल है आजकल? तो जो बच्चे देखेंगे भाई, बच्चे अखबार तो पढ़ते नहीं है, बच्चे YouTube देखते हैं, तो जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका रोल बढ़ जाता है जी। इन्फ्लुएंसर्स एजुकेट करें सबको, हाँ वो क्या परोस रहे हैं समाज के अंदर, जो बच्चे तो वही देखेंगे जो स्क्रीन पे दिखेगा। बिल्कुल, अब स्क्रीन पे क्या दिखता है, बड़ी सी फिल्म का हीरो सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो उनके लिए नीचे छोटी सी लिखी होती है कि धूम्रपान निषेध है, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
ये सरकार की जिम्मेदारी है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो जो हीरो है जो सबसे लड़ता है और जो फिटनेस है, जिसको सबसे अच्छी हीरोइन मिलती है और जिसको सब कुछ मिलता है, सब कुछ आता है, जो सब कुछ जो हीरो है वो स्मोकिंग भी कर रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है। हाँ, तो बच्चे क्या सीखेंगे, उसको अपना आइडियल बनाएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। वहाँ नीचे छोटी सी चेतावनी लिखी होती है, कोई भी फिल्म में ऐसा हीरो नहीं होना चाहिए जी। ये सब चीजें दिखानी चाहिए कि विलन सिगरेट पी रहा है, विलन ड्रिंक कर रहा है, और हीरो को ऐसा कुछ भी करता दिखाना नहीं चाहिए। ये हाँ, इस सरकार का रोल है, ये बात सेंसर बोर्ड को ऐसे बनाए कि भाई वो दिखे, जो आपका रोल मॉडल है जी, वो एक्चुअली में आदर्श पुरुष जैसा दिखना चाहिए। राम है तो राम दिखे ना, वो हीरो को तो राम जैसा ही दिखना चाहिए। रावण है तो रावण दिखे, अगर विलन है तो उसके हाथ में सिगरेट अच्छी लगती है, है हाँ। ना, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है हाँ, तो लेकिन वो अगर वो हीरो अगर वो सिगरेट पी रहा है तो वो तो रावण का रोल है, वो राम कैसे हो सकता है। बिल्कुल, तो ये चीज, ये रोल मॉडल है, ये हमारे समाज को ही करना है कि क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे जी जी। तो हमने स्कूल से ही उनको अच्छा दिखाना है, YouTube वगैरह जो वो देखते हैं वो अच्छा देखें, फोन में अगर उनके ऐप्स हैं तो उनको बोलो फिटनेस की ऐप्स हैं, इतना कुछ सीख सकते हो आप सर, गूगल से यूट्यूब से आप इतना कुछ सीख सकते हो कि कोई लिमिट ही नहीं, अपनी सारी हॉबीज आप पूरी कर सकते हो। कोई ऐसी आपकी हॉबी है जिसके लिए आप कभी क्लास में नहीं जा सकते थे, या कोई आपकी हॉबी छूट गई, आपका कोई मन था कुछ सीखने का जी जी। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, कितना कुछ, कितने लोगों ने समाज के लिए फ्री में कितना कंटेंट डाला हुआ है, आप उसको देखो। आप मूवीज में और उन सब में टाइम खराब करने की बजाय आप कुछ प्रोडक्टिव काम करो। तो ये सब अपने बच्चों को सिखाना है, तो जब बच्चे हमारे ऐसे बड़े होंगे वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, ऐसे ही चेंज आएगा। ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कही कि मतलब जो जर्नी है ना, ये जो ये यात्रा है बदलाव की, वो शुरू तो बच्चों से ही होनी है। टीचर्स की भूमिका इसमें बड़ी है, पेरेंट्स की भूमिका इसमें बड़ी है, समाज से भी संस्थाओं की भी कहीं ना कहीं भूमिका इसके अंदर है। वो स्कूल्स में जाए, समाज के अंदर जाए, और जो लाइफस्टाइल की वजह से हम बीमार हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, उनके अच्छे और बुरी चीज़ों के बारे में समझाए, ताकि हम लोग, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, आज का समाज बहुत ज़्यादा एजुकेटेड समाज है, तो हम बड़ी चीज़ों को समझ लेंगे अगर कोई इस तरह की एक मिशन शुरू होता है, इसको एक मिशन के तौर पे लेके, और हमें बड़े एग्रेसिवली और प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। क्या जो भारतीय पारंपरिक चिकित्साएं हैं, आयुर्वेद है और इसके साथ योग है जो हमारा एक दर्शन भी है, तो क्या उसकी भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकती है मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ के, दोनों मिलके भी कुछ भूमिका इकट्ठी निभा सकते हैं, ताकि इन बीमारियों से जो बढ़ती हुई समाज के अंदर इतनी त्रासदी बढ़ती जा रही है, इतने इतने ज़्यादा लोग दुखी हो रहे हैं, उससे हम उनको निकालने में कोई हेल्प कर सके, मिलके भी हम लोग काम कर सकते हैं कुछ। ये होलिस्टिक अप्रोच जो है आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन की कंबाइन करके, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि हर पैथी की अपनी कमियां हैं, हर पैथी की अपनी खूबियां हैं जी। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एलोपैथी में अच्छी है, कई चीज़ें ऐसी जो आयुर्वेदिक में भी अच्छी हैं। मैंने आपको बताया था मेरे फादर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे जी, जी, और वो उन शुरू के बैचेस में थे जी, जब मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन इकट्ठी पढ़ाई जाती थी, तो उन्हें दोनों चीज़ें पढ़ी और वो उन दोनों चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके देख पाते थे कि भाई एलोपैथी में ये चीज़ ऐसी है और आयुर्वेदिक में हम इसको ये बोलते हैं, तो बेसिकली बीमारी तो यही है, इलाज भी यही है, नाम अलग अलग है दोनों के। अब वो दोनों पर्सपेक्टिव से चीजों को समझाऊं, उन्होंने मुझे काफी चीजें सिखाई भी ओके। आयुर्वेदिक की मुझे काफी नॉलेज है इसीलिए कि डैडी के कारण, कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया आयुर्वेदिक के बारे में जी। तो मैं उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में कोरिलेट करता हूँ, तो बहुत चीजें सही है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो है। मैं अपने पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन की उसकी सलाह भी कई बार दे देता हूँ अपने ऑफ द रिकॉर्ड जैसे, कि भाई आप ये भी कर सकते हो और दोनों चीजें मिलके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब तो कितनी आयुर्वेदिक एलोपैथी कंपनी है, एम्स में, पीजीएमई में भी रिसर्च होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, उनमें रिसर्च है, पेपर छपे हुए हैं, तो दोनों चीजें मिलके अच्छा काम करती हैं और दोनों करनी चाहिए। और योग की क्या भूमिका आप देखते हैं? योग एक बहुत एक्सीलेंट चीज है जी। योग तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी बढ़िया है जी। योग में हमारा जो हम कहते हैं ना हेल्थ होनी चाहिए बॉडी माइंड एंड सोल से जी, तो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों चीज के लिए योग। आयुर्वेदा तो सिर्फ बॉडी को ठीक करता होगा, लेकिन योग बॉडी माइंड एंड सोल तीनों कुछ, जो हमारा बॉडी और माइंड का कनेक्शन है वही योग उसको है। उसको बैलेंस जो बनाता है, उसको जो बैलेंस बनाता है वो योग है। जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जितनी भी योग में हम करते हैं, वो सीओपीडी अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी ऑक्यूपेशन थेरेपी हम बोलते हैं जी, फिजियोथेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशन थेरेपी कराओ, वोकेशनल थेरेपी कराओ सीओपीडी के पेशेंट्स को, वो सब योग ही तो है। तो योग तो आयुर्वेद से भी अच्छा लगता है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो उसके अंदर होती है, जो उसके अंदर माइंड बॉडी कनेक्शन होता है और जो हमारी बॉडी में बैलेंस आता है
और ये सारा, तो योग इज अ वंडरफुल थिंग। दोस्तों हमारे महर्षि सुश्रुत ने कहा था, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीते। इसका अर्थ ये है कि जब हमारी इंद्रियां, मन, शरीर और आत्मा, ये चारों प्रसन्न होंगे तभी व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी है। कितनी सुंदर परिभाषा है। और योग में, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के दूसरे सूत्र में कहा है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। जब मन की वृत्तियां रुक जाती हैं तब व्यक्ति योगी कहलाने का अधिकारी होता है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, यदि हम आयुर्वेद को और योग को होलिस्टिक अप्रोच के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ दें तो हम वो कर सकते हैं जो शायद अब तक नहीं हुआ है। और इस मंच से एक मैसेज भी हमारी सरकारों तक जाना चाहिए कि इस दिशा में हमने कदम तो हालांकि उठाए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एम्स में और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिलके हम लोग होलिस्टिक अप्रोच से काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। इस पर काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों भारत की प्राचीन पारंपरिक चिकित्साएँ हैं। योग दर्शन को तो पूरी दुनिया के अंदर अब लोग जानने लगे हैं, जब से योग दिवस हम 21 जून को मनाने लगे हैं। तो हमें इस दिशा के अंदर और बढ़ के काम करना है, दोनों को इकट्ठा मिलके काम करना है। दोस्तों एक स्वस्थ जीवन शैली के अंदर अच्छा लाइफस्टाइल होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चलते हुए शिप के अंदर खुद पहले मास्क डालना, यानी अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने व्यवहार को और अपने जीवन को हमने ठीक करना है। तो हम डॉक्टर साहब से अब चलते चलते यही जानना चाहेंगे कि ये जो सारी बीमारियों की हमने डिस्कशन करी है आज, बड़ा अच्छा ये एपिसोड आपके साथ रहा, लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमने शुगर की बात की, हमने मोटापे की बात की, हमने COPD की बात की, हमने मेंटल डिसऑर्डर्स की बात की, हमने दिल की बीमारियों की बात की। इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या हमारा एक ऑप्टिमम लाइफस्टाइल रहना चाहिए ताकि इन बीमारियों से हम बच सकें। ये मेरे को लगता है ये चीज़ सबको बड़े अच्छे से सुननी चाहिए जी। डाइट में सबसे पहले हम आएंगे कि डाइट में क्या खाना चाहिए जी। जो हमारा मेन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो जिसे अनाज बोलते हैं, जो आम भाषा में लोग कहते हैं, जिसे अनाज से समझते हैं, तो होल अनाज खाना है। अब कोशिश करो कि रिफाइनमेंट कम कर दो। आटा है, साबुत पिसा हुआ आटा, चोकर के साथ मैदा, सूजी, भंद जी, आटा शुरू, चावल भी जितने जितने कम पॉलिश हो, जितने बेस चावल हो उतना अच्छा, ब्राउन जितने राइस ले ले, मतलब ब्राउन राइस ले लो, जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, जैसे हमारे रागी, ज्वार, जौ, मोटा आटा, मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, चना, उसके बारे में वो रहता है कि मात्रा क्या होनी चाहिए, ऐसा कुछ है या किस तरह से? कुछ आप अपनी भूख के हिसाब से खा सकते हैं, कोई भी अनाज खा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज से 50 साल पहले कनक का इतना वो था ही नहीं जी, जी। 1970 के बाद जब चने की बाजरे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ही कनक आई। उससे पहले लोग कनक, बाजरे, ज्वार, इनकी रोटी खाते थे जी, जी। तो जो भी अनाज खाओ उसे कोशिश करो कि वो अपने प्योर फॉर्म में हो, रिफाइंड फॉर्म में ना हो जी। सब्जियां और फल बहुत ज्यादा जी, सब्जी फल पे ज्यादा जोर रहे। कितनी मात्रा होनी चाहिए? अमूमन लोगों को ये लगता है कितना फल कितना एक दिन में, कुछ आइडिया है? आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी एक टाइम की मील, जैसे आपका इवनिंग स्नैक है, अगर आपने फ्रूट से करना है इवनिंग स्नैक, फ्रूट से इवनिंग स्नैक कर सकते हो। उस टाइम आपने मन के हिसाब से 2 फल खाने, 3 फल खाने आप खा सकते हो जी, जी। और उसके अलावा सब्जियां ज्यादा खाओ, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ और सीजन वाली सब्जियां खाओ। फल भी जो उस सीजन का जो सबसे बढ़िया फल आ रहा है, जो सबसे ज्यादा फल आ रहा है उस सीजन में, वो खाओ। दो फायदे हैं, एक तो जो उस सीजन में फल आ रहा है वो सबसे अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रखी है कि मोस्ट चांसेस हैं कि वो बिना दवाई के, बिना उसके होगा, उसी पेस्टिसाइड के बना होगा। ठीक बात है। और तीसरा, वो सस्ता भी बहुत होगा, सस्ता भी बहुत होगा उस टाइम पे। बिल्कुल, कहीं प्रोक्योर नहीं करना पड़ा, कहीं वो उसकी भंडारण नहीं करना पड़ा। इस महीने में जितने आम और नाशपाती सस्ती मिलेगी जी जी जी, उतने किसी महीने में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो जो जिस सीजन में, मैं कहता हूँ जो सबसे सस्ता फल आ रहा है जी, वो सबसे सस्ता फल वही होगा जो बहुत ज्यादा आ रहा होगा और बिना दवाइयों के आ रहा होगा। बिल्कुल, तो जिस मौसम में जो सबसे सस्ता फल आ रहा है, जिस टाइम जो फल है, जब जामुन का सीजन है, जामुन, सेब का सीजन है, सेब, आम का सीजन है, आम, जो जिस सीजन का फल है फल खाओ, और जो जिस मौसम की सब्जी है, मौसमी सब्जी पूरी खाओ जी। दूध का प्रयोग करें फैट हटा के। हर आदमी के लिए एडवाइस यही है, हर आदमी के लिए एडवाइस है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, अर्बनाइजेशन है, खेत में रहने वाला बंदा पी सकता है,
जो फिजिकल एक्टिव है बहुत अच्छी तरह से अपने उसको, जो खेत में रह रहा है, गांव में रह रहा है, उसने 4-5 या मजदूर है वो 4-5 किलोमीटर चल के उसने खेत में जाना है, अपना कसी वसी चलाकर शाम को वापस आएगा, वो कुछ भी खाए। जी जी, जो शहर में रह रहा है सिडेंट डेस्क वाला काम कर रहा है, सिडेंट लाइफस्टाइल जिसका है, हाँ, उसको जो डेस्कटॉप पे बैठा काम कर रहा है, टेबल चेयर पे बैठा काम कर रहा है, उसके लिए फैट्स नहीं है, फैट नहीं लेना उसने। और दूध की मात्रा के बारे में आमतौर पे उदाहरण रहती है, कोई कहते हैं कि दूध अच्छा है, ये कोई कहते हैं कि बुरा है, कहते हैं इतनी मात्रा में। दूध अच्छा है, दूध पीना चाहिए, पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको तो खास तौर से पीना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिलती हैं, और देखा जाए तो टेक्निकली मिल्क नॉन वेजिटेरियन है। बिल्कुल सही है, कि एनिमल सोर्स का है, नॉन वेजिटेरियन नहीं बोलेंगे, चलो एनिमल सोर्स का है। आजकल एक वो वीगन का एक कांसेप्ट चल रहा है कि एनिमल सोर्स की चीज हमारे डाइट में, एक एनिमल सोर्स की चीज सिर्फ दूध ही तो है जी, तो हमें एक एनिमल सोर्स की चीज भी चाहिए, तो इसलिए दूध तो जरूर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात चल दूध की बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी है, मेरे ख्याल 90% लोगों को होना चाहिए, इतना कम है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 30% लोग नॉनवेज खाते हैं ज़्यादा, और 70% वेजिटेरियन है। वेजिटेरियंस को B12 मिलता नहीं, वेजिटेरियंस को B12 मिलता नहीं, सिर्फ दूध से मिलता है, सिर्फ दूध से मिलता है, तो इसलिए भी दोस्तों दूध जरूरी हो जाता है। दूध के अलावा और क्या चीजें जो B12 की पूर्ति कर सकें एक वेजिटेरियन के लिए? सिर्फ दूध या फिर अपना टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, या फिर आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे बाहर। और विटामिन डी मिलता है धूप से, वो धूप से मिलता है, वो सब इंडोर्स, अब सब लोग इंडोर्स रहते हैं जी, और आउटडोर जाएंगे तो कोई ना कोई फेस पर उन्होंने सनस्क्रीन, लोशन, क्रीम कुछ लगाया होगा जी। अगर SPF 7 तक भी आपने लगाया है तो विटामिन डी नहीं बनेगा, वो शील्ड बना लिया आपने तो विटामिन डी नहीं बनेगा। और आजकल सनस्क्रीन में तो 30-40-50 SPF होता है, जो नॉर्मल क्रीम भी होती है ना 15-20 SPF तो उसका भी होता है, उसका भी होता है। और फेस पे और हाथों पे आपने क्रीम लगा ली, बाकी सारा विटामिन डी धूप से मिलना था, तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, आपने किसी भी तरह की क्रीम लगाई तो विटामिन डी नहीं। तो हर आदमी को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया, सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जो पैकेट वाला दूध आता है उसके अंदर तो विटामिन डी और वो डाला ही होता है, फोर्टिफाइड होते हैं, फोर्टिफाइड उसके अंदर विटामिन डी डाला होता है सब। जी जी, एक तो हो गया डाइट जी, दूसरा हमारा पिलर हो गया फिजिकल एक्टिविटी। यस, फिजिकल एक्टिविटी जो हमने करनी है, हमारा टारगेट मैक्सिमम गाइडेंस कहती है 150 मिनट पर हफ्ता, ठीक है, अगर आप कर रहे हो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, अगर आप कर रहे हो अच्छी वाली एक्सरसाइज, एरोबिक्स कर रहे हो, भाग रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो 75 मिनट पर घंटा पर हफ्ता भी चलेगा, जिसमें आप तीन दिन करी एक दिन छुट्टी मार ली। छुट्टी भी मारनी जरूरी है क्योंकि बॉडी की रिकवरी के लिए। जो दो तीन हफ्ते में कितनी छुट्टी है आप रिकमेंड करते हो? एक हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर ले बहुत है, 4 times a week बहुत है, 4 times a week बहुत है, 4 times a week भी बहुत है एक्सरसाइज। और मैक्सिमम कोई जाना चाहे, मैक्सिमम जाना चाहे 40 मिनट्स बहुत है, 40 मिनट पर डे अगर आपको करने एक टाइम में तो कर सकते हो, 20 मिनट सुबह शाम कर लो, 40 मिनट एट अ गो कर लो, उससे ज्यादा भी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी। कोई व्यक्ति अगर हफ्ते में 6 दिन करना चाहे, 1 दिन रेस्ट लेना चाहे, जैसे आमतौर पे स्पोर्ट्समैन जो है, एथलीट्स हैं, वो आमतौर पे लगातार ही करते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बस अपनी मसल रिकवरी का ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि मैं एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करी जा रहा हूँ, अगर कोई रनर है वो डेली रनिंग करेगा और लेग्स को रेस्ट ही नहीं मिल रहा, सो कम रहा है, या तो रात को सोएगा तो लेग्स को रेस्ट मिलेगा, या फिर बीच में एक दिन ब्रेक डे देगा उस दिन लेग्स को रेस्ट मिलेगा, तो रेस्ट तो देना जरूरी है। जो भी बॉडी पार्ट आपका यूज हो रहा है ज्यादा, उसको आपको रिकवरी के लिए रेस्ट देना ही पड़ेगा। और फिजिकल एक्टिविटी कौन सी करें लोग ज्यादा, मतलब स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, योगा करें, जिम जाएं, या फिर और कोई, या मिक्स मैच करें? मिक्स कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं हर एक्सरसाइज में, तो आप मिक्स एंड मैच करके एक्सरसाइज कीजिए। सबसे ज्यादा आप वॉक कर लीजिए क्योंकि वो आसान है, कोई सामान नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, तो बाकी चीज़ एक्सरसाइज करने के लिए आपको तो साइकिल चाहिएगी या ट्रेडमिल चाहिए, कुछ चाहिएगा, लेकिन वॉक करने के लिए कुछ भी सामान नहीं चाहिए। आपने चलना है फास्ट, इतना चलना है कि आपने टहलना नहीं है, आपने घूमना नहीं है, जैसे कि भाई आप दो जने बात करते करते चल रहे हैं पैदल जी। अगर आप दो जने साथ साथ चल रहे हो और आप उसे बात करते करते चल रहे हो, वो वॉक नहीं है। हमें आपको इतनी स्पीड पे चलना है कि आप बात नहीं करो। ओके, ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन यही है कि आप अगर उस टाइम बात नहीं कर पा रहे हो, okay, आप फोन पे बात नहीं कर पा रहे, आपसे रुकना पड़ रहा है आपको बात करने के लिए, इसका मतलब ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, उतनी वॉक करनी है। दोस्तों अभी मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा, अभी एक महीने पहले शायद लैंसेट के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके मुताबिक दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब है। 54% लोग आलसी की श्रेणी में आते हैं, वो 150 मिनट वीक भी अपने लिए नहीं देते, 21 मिनट भी वो डेली एक्सरसाइज नहीं करते।
दोस्तों डॉक्टर साहब के साथ ये चर्चा बहुत सार्थक रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिला है, नई बातें, मेरा भी नया पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों के अंदर खुला है और आपका भी जरूर आपको नई चीज़ें समझने को मिली होंगी। चलते चलते डॉक्टर साहब से हम ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी अपनी दिनचर्या क्या रहती है, वो अपने आप को वर्क लाइफ बैलेंस वो कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप को समय इतना व्यस्ततम शेड्यूल इनका है और 24 घंटे बिजी रहते हैं अपने पेशेंट के साथ, क्योंकि मैं तो पिछले 20 साल से इनको देख रहा हूँ, इतना डेडिकेटली अपने पेशेंट को देखते हैं, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए, इतने एक अच्छे फिजिशियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। तो ये कैसे मैनेज करते हैं अपने समय को, अपने आप को समय कैसे देते हैं, फिजिकल एक्टिव कैसे रहते हैं, आप देख भी रहे हैं कि अभी भी देखने में कितने स्मार्ट हैं, सुंदर हैं और हेल्दी हैं, तो उनसे इस स्वास्थ्य का राज हम जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरी दिनचर्या के बारे में जानेंगे तो मैं शुरू से अर्ली राइजर रहा हूं। जी बहुत बढ़िया, मैं हमेशा जल्दी उठाऊँ, अगर मैं लेट भी सो रहा हूँ किसी भी कारण से, कोई बाहर गए हैं या फिर कोई पेशेंट आ गया रात को, इमरजेंसी में चला गया, कुछ है, चाहे मैं कितनी भी रात को लेट सो रहा हूँ या कुछ है, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट है कि मेरे को 6:15 मेरी आँख अपने आप खुल जाएगी बिना अलार्म के, तो क्योंकि वो मेलाटोनिन के हिसाब से वो सब सेट है जी। अगर मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं रात को, कमरे बैठे पढ़ रहे हैं, लाइट ऑन है, कुछ है, तो मैंने अपनी आँखों की पट्टी लगानी और सो जाना है। क्या बात, तो ताकि भी मुझे उससे डिस्टर्बेंस ही नहीं होती फिर, तो मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक मुझे अपना सेट करा हुआ है, तो अपने टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है बिना अलार्म के और मैं उठ जाता हूँ। उठ के फिर मेरी हॉबीज हैं, जैसे मेरे को मन करता है मेरी अपनी हॉबीज को पूरा करना है, मेरी हॉबी गार्डनिंग की है जी। तो मुझे गार्डन में जाना अच्छा लगता है, मैं लॉन में जाऊँगा, थोड़ा बहुत कोई किसी पौधे के पत्ते साफ कर लिए, किसी गुड़ाई कर ली, पौधों का जो भी काम कर रहे हैं, कटाई छटाई वगैरह कर ली, गुड़ाई कर ली, पानी दे लिया जी, पौधों को धूप बरसात के छाया के हिसाब से गमलों को आगे पीछे कर लिया, इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, 1.5 घंटा उसमें कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। उसके बाद नहाना धोना का अपना नित्य कर्म जो है वो कर लिया, ठीक है, और फिर पूजा करता हूँ थोड़ी, पूजा मैं बहुत सूक्ष्म सी करता हूँ, वैसे मैं गॉड फियरिंग मैन हूँ, रिलीजियस हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मैं बैठता नहीं हूँ मंदिर में, जाके सूक्ष्म सी पूजा कर पेशेंट की सेवा से बड़ी क्या पूजा हो सकती है, सूक्ष्म सी पूजा कर मैं अपना नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया, नाश्ते में मैं बहुत कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ जैसे, और दूध जरूर लेता हूँ जी, दूध मैक्सिमम टाइम हल्दी वाला दूध लेता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, आयुर्वेदा और मॉडर्न का जो कॉम्बिनेशन है ना वो पूरा बना के डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद फिर कोई वो नहीं, ना मेरे को घर वाले फोन करते हैं जी कि घर हॉस्पिटल गए मैं, तो इनको कोई घर से मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ना वो घर वाले फोन, जब तक बहुत कोई इमरजेंसी ना हो घर से मेरे को फोन नहीं आता जी, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ पेशेंट्स का काम, पेशेंट्स देखने हैं उनका, जो भी हॉस्पिटल के मेरे काम है सारे वही करने हैं। जब मेरे को लंच टाइम में फ्री होऊंगा, चाहे वो मैं 2:30 बजे हूँ, 3 बजे, 3:30, जब भी फ्री होऊंगा मैं घर जाऊंगा, घर जाके जो भी मेरे को खाना है, बहुत लाइट फूड खाता हूँ मैं सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ या तो, और मोस्ट ऑफली वही रहता है, कॉफ़ी और फ्रूट्स, ये मेरा लंच रहता है यूजली। तो लंच करके फिर वही शाम की ओपड़ी के लिए फिर मैं हॉस्पिटल आ गया, राउंड्स लिए, काम किया, रात को फिर काम निपटा कर जब घर पहुंचा, घर जाके फिर भी मेरी भी डाइट वैसी रहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम, प्रोटीन ज़्यादा, और मैं जैसे दाल, पनीर, सब्जी, दही, ये सब चीज़ें खाता हूँ, मीठे का एक आधा पीस जरूर लेता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ, बहुत बढ़िया, तो मुझसे मीठा छूटता नहीं है, तो मीठे का जरूर एक पीस लेता हूँ, लेकिन उसको मैं अनाज कम करके कंपनसेट कर देता हूँ जी, और फिर दूध पीना और फिर सोना। जो भी मेरा बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम रहते हैं फ़ोन के, जैसे अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप देखना, किसी को जवाब देना है, कुछ काम करने, ऐप्स के, ये सब काम करता हूँ। मेरे फ़ोन में कोई भी गेमिंग ऐप नहीं है, कोई भी मेरे फ़ोन में कोई भी जो टाइम ख़राब करती है मेरी चीज़ें, मेरे को कोई भी इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक कुछ भी नहीं। मैंने डॉक्टर साहब को कभी फेसबुक, इंस्टा कभी कहीं नहीं देखा, मेरे फ़ोन में ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं कहीं, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन इन्होंने अपने पास रखी नहीं हुई है दोस्तों, किसी भी तरह की। सोशल मीडिया के नाम पे मेरे पे व्हाट्सएप है, बहुत बढ़िया, और व्हाट्सएप भी इसलिए है कि भाई उससे मैं कनेक्टेड रहना है, मुझे हॉस्पिटल से भी कनेक्टेड रहना है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी को ऐसे हो रही बिल्कुल खत्म ही कर देना है, टेक्नोलॉजी का मेरे को यूज करना है, जो जो चीज मुझे फायदा दे रही है वो चीजें हैं। और मेरी यूट्यूब में अगर आप देखोगे, जो सब्सक्राइब चैनल्स हैं,
जो मेरे शौक से रिलेटेड चैनल्स हैं जी, कुकिंग का शौक है कुकिंग वाले चैनल, कुकिंग का शौक है अरे क्या, गार्डनिंग का शौक है गार्डनिंग वाले चैनल और एक फिटनेस वाले चैनल्स, सिर्फ वही सब्सक्राइब्ड हैं, उन्हीं के वीडियोस देखता हूं और उन्हीं के बारे में कुछ सोचता हूं पढ़ता हूं, अदरवाइज मुझे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है, बहुत कुछ है, आप चाहो तो उसे बहुत कुछ सीख लो या आप चाहो तो बहुत कुछ उसे खराब भी कर लो, बिल्कुल हर तरह कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे कि आपको क्या चीज यूज करनी है क्या चीज नहीं यूज करनी। दोस्तों डॉक्टर साहब से हमने उनकी दिनचर्या जानी, कितना बैलेंस्ड वो अप्रोच रखते हैं और कितने बढ़िया शौक हैं, कुकिंग करते हैं गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि जो स्थिति हमारी इस समय इस दुनिया की है उसमें हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी शस्य श्यामला धरा को बचाने के लिए काम करें। तो डॉक्टर साहब से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने जीवन को कितना वो बैलेंस रखते हैं, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सबसे अच्छी बात ये है कि अपने पेशेंट के साथ पूरा न्याय करते हैं, जो प्रोफेशन उन्होंने चूज किया है उसको पूरा जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो एक बहुत ही शानदार फिजिशियन है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमारे करनाल की शान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, यदि आपको लगता है ये लोगों के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।